राम राम भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणा टूरिज्म व्लॉग्स। और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ मेजर अपडेट आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एक नया वीजा है उसके बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं आया था, बस हेयर कट करा के आया था। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है लुक। और चलो वीडियो करते हैं शुरू, अंदर बैठ के आराम से बातें करते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट करें, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने इम्प्लीमेंट ये किए क्यों, इनको क्या जरूरत पड़ी। तो जैसे यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं, और जो कि लास्ट ईयर काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए, 500,000 इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, मतलब 2023 में। यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था 2019 में 2020 में, उस टाइम पे मतलब कोविड से पहले अराउंड 1-1.5 लाख इमिग्रेंट्स आते थे पूरे साल में, ठीक है। तो उसके बाद कोविड आया तो कम होता गया रेट, क्योंकि बॉर्डर क्लोज होने स्टार्ट हो गए। और कोविड के टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन हुई, अराउंड 70-80 हजार लोग वापस गए अपनी कंट्रीज में। और फिर उसके बाद जैसे जैसे बॉर्डर खुले, उसके बाद लोग आने शुरू हुए 2022 में, 21 में, ठीक है। और 2023 में यहाँ पे 500,000 के करीब इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, जिसमें 60% जो है इंडियंस हैं। इनके पीएम ने स्पेशली मेंशन करी ये चीज, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। ये अपने इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ नए रूल लेके आए हैं, एक नया वीजा भी लेके आए हैं। तो मैं हर एक रूल की बात नहीं करूंगा, जो मेन रूल है जैसे स्टूडेंट वीजा और TRK हैं, जो दो मेन रूल, उनके बारे में बात करते हैं। और नया वीजा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वीजा है वो है टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा, सब क्लास 482। तो इस वीजा में मतलब ये वीजा आपकी एनुअल इनकम और ऑक्यूपेशन के ऊपर है, मतलब जिस हिसाब से आपकी एनुअल इनकम और ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से इसमें 3 टायर बनाए गए, मतलब 3 सेक्शन कह सकते हो आप, उसमें डिवाइड किया गया है इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 की। टायर 1 में क्या है, जैसे जिसकी सैलरी 1,35,000 डॉलर है, मतलब इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा तो अच्छी बात है। और एक्सेप्ट लेबर ट्रेडर्स और मशीन ऑपरेटर्स हैं, इनके अलावा 73 और 74 लाख इंडियन रुपीज। तो जिसकी सैलरी इतनी एनुअल इनकम वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ टायर 2 में ये है, जिसकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है वो अप्लाई कर सकता है, मतलब ऑक्यूपेशन के बेस ऊपर है ये भी। इसमें जैसे गवर्नमेंट भी असेसमेंट वगैरह करेगी, फिर उसके बाद आपको वीजा मिलेगा कि क्या आपको ऑक्यूपेशन है, क्या आपके पास स्किल है, जो स्किल इनको ज्यादा चाहिए होगी उसके हिसाब से आपको वीजा देंगे। और टायर 3 में आपकी इनकम है जो वो चाहिए 70,000 डॉलर से कम। आपको 4 साल का स्टे प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 4 साल का वीजा है ये, गवर्नमेंट की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अब बात करते हैं TR और स्टूडेंट वीजा में इन्होंने क्या चेंज किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा में इन्होंने ये देखा कि स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे थे हाई यूनिवर्सिटीज में, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज में उनको वीजा मिल रहा था, जैसे अच्छे अच्छे कोर्स लेके आ रहे थे, IT हो गया, नर्सिंग हो गया, और फिर यहाँ पे आके अपने कोर्स को वोकेशनल कोर्सेज या फिर ट्रेड कोर्सेज बोलते हैं, जिनको छोटे कॉलेज होते हैं जिनकी फीस काफी कम होती है, उनमें स्विच कर लिया उन्होंने। जो पहले जैसे कोर्स स्वैप हो जाते थे, 5-6 महीने के बाद अपना इजीली कोर्स चेंज कर सकते थे, मतलब 6 महीने होता था वैसे, तो उससे पहले भी हो सकता था कनकरेंट COE, वो इन्होंने कुछ टाइम पहले ही बंद कर दिया था कनकरेंट COE। और अब कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आप जिस कोर्स में आए उसमें ही कंटिन्यू करना है जब तक आपका वीजा है, ठीक है। तो ये बंद कर दिया इन्होंने, कोई कोर्स चेंज नहीं होगा, अब कोई नया स्टूडेंट आएगा वो नहीं कर सकता, ठीक है। और जो IELTS का स्कोर होता था वो जैसे 5.5 बैंड चल जाते थे एक मॉड्यूल में आपके, कोई कोई यूनिवर्सिटीज ले लेती थी, अब उसको भी जैसे इन्होंने बढ़ा के 6 कर दिया है, मिनिमम क्राइटेरिया 6 सेट कर दिया है। उसका रीजन ये है ताकि इनके पास अच्छे स्टूडेंट आ पाए, जो सिर्फ यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कोर्स चेंज कर लेते थे और अपने काम पे फोकस करते थे, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आते थे, तो उस चीज को इन्होंने देखा। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट वीजा का मिसयूज हो रहा है, दे आर अब्यूजिंग अवर सिस्टम। और जो पहले GT होती थी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, उसको इन्होंने चेंज करते जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में GST, और इसमें आपको होगा इंटरव्यू, प्रॉपर वीजा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा। ये चीजें इन्होंने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था जेन्युइन स्टूडेंट ही यहाँ पे आ सके, जो सिर्फ स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, ताकि इनको फीस पे करें और इनके लिए भी फायदा हो उस चीज में। तो इन्होंने क्लियरली बोला दे आर मिसयूजिंग अवर सिस्टम, दे आर अब्यूजिंग अवर सिस्टम। जरूरत के हिसाब से जैसे पहले इनको जब नीड थी तो इन्होंने बोला कि स्टूडेंट को फुल वर्किंग राइट दे दिए, सब कुछ दे दिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, जैसे मैं बता रहा था रिवर्स माइग्रेशन भी हुई थी, इमिग्रेंट्स वापस जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। तो इन्होंने उस टाइम स्टूडेंट्स को दिए फुल वर्किंग राइट, और अब उसके बाद जैसे 24 आवर सिस्टम चल रहा, तो पहले भी था, बट अब ये कह रहे हैं दे आर अब्यूजिंग अवर सिस्टम दिस और दैट। अब बात करते हैं TR की। TR पे इन्होंने क्या किया,
जैसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट आते थे तो वो अपना ना दूसरा स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते थे, तो अब वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी वो चीज, अब आप वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, उससे क्या हो रहा था यहाँ पे इनके स्किल्स में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था इतना, जैसे काफी सारा टाइम स्टूडेंट यहाँ पे अपने स्टूडेंट वीजा दूसरे ले लेके दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेके काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे, तो इनको इतना फायदा नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे कुछ स्किल्स की अभी काफी ज्यादा डिमांड है, जैसे अब इनको एज केयर में, चाइल्ड केयर में, अकाउंटेंट्स और कंस्ट्रक्शन में, इनमें बंदे चाहिए काफी ज्यादा, और कुछ और चीजें हैं। जैसे पहले एज होती थी जो वो टीआर के लिए आपकी एज 50 इयर्स हो सकती थी, और इन्होंने 35 इयर्स तक रिड्यूस कर दिया है। और जैसे यहाँ पे ना पहले जो लेंथ ऑफ स्टे थी टीआर की वो ज्यादा होती थी, तो उसको भी इन्होंने कम कर दिया है। बैचलर और मास्टर्स के लिए अगर आप कोर्स वर्क मतलब जैसे स्टडी करके जाते हो तो उससे 2 साल कर दिया है, और अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च जैसे पीएचडी वगैरह करते हो तो आपके लिए 3 साल का स्टे है यहाँ पे ऑन योर टीआर। जैसे इन्होंने बोला है कि पहले जो गवर्नमेंट थी ज्यादा स्टे प्रोवाइड किया हुआ था यहाँ पे स्टूडेंट्स को, तो इन्होंने उस स्टे को भी रिड्यूस कर दिया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पे आ रहे हो स्टूडेंट वीजा में, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, आप वही कोर्स लेके आए जिसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ये सोच के ना आए कि मैं वहाँ पे कोर्स चेंज कर लूंगा। तो सिर्फ ये सोच के आओ कि मेरे को वहाँ पे जिसको मतलब जनरली स्टडी करनी है उसके लिए फायदा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे आइल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी, और जैसे जनरल स्टूडेंट टेस्ट होएगा, वीजा ऑफिसर आपका इंटरव्यू वगैरह भी लेगा, तो सिर्फ अगर आपको पढ़ना है तो अब आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो अब वो चीजें बिल्कुल बंद हो गई है यहाँ पे। ये कुछ अपडेट्स थी जो इन्होंने अभी अभी आई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और वीडियो जैसी आती रहेंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।